केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में भले ही अभी 1 महीने का समय रह गया है, लेकिन केदारनाथ घाटी के ज्यादातर होटल और लॉज एडवांस में बुक हो चुके हैं। ऐसे में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे व्यवसायी बेहद खुश हैं। कोरोना महामारी का केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। केदार घाटी की 70% से ज्यादा आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। 6 महीने चलने वाली यात्रा के दौरान केदार घाटी के लोग होटल, लॉज, डन्नीकंडी, घोड़ा खच्चर, पंडिताई समेत अन्य रोजगार के जरिए अपनी आजीविका का संचालन करते हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो कि पूरा होटल व्यवसाय ठप हो चुका था, तो इस वर्ष एक व्यवसायियों में एक उम्मीद जगी है कि इस वर्ष काफी उनके पास इंक्वायरियां आ रही हैं और इस वर्ष क्षेत्र में काफी बुकिंगें आ रही हैं और होटल व्यवसायियों पर जो आर्थिक रूप से जो बैंकिंग ऋण का और उन पर जो एक्स्ट्रा बिजली के बिलों की ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी उनको इस बार व्यवसाय सॉल्व कर पाएंगे और हम ये चाहेंगे कि इस वर्ष यात्रा में प्रशासन का और व्यवसायियों का पूरा सहयोग रहे। 2 सालों बाद यात्रा के दोबारा पटरी पर लौटने के आसार नजर आ रहे हैं। मई और जून माह तक केदार घाटी के गुप्त काशी, शेरसी, फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड एवं केदारनाथ धाम के होटल लॉजों की एडवांस बुकिंग मिल चुकी है, जिससे यहां के व्यवसायियों में बेहद खुशी है। 2 साल से ये कोविड की मार झेल रहे थे, तो इस बार काफी उम्मीदें हमें इस यात्रा से हैं, क्योंकि इस बार काफी अच्छी मात्रा में हमारे पास इंक्वायरी भी आ रही है। यात्री लगातार फोन के माध्यम से ऑनलाइन हमसे लगातार बुकिंग के बारे में संपर्क कर रहे हैं और काफी बुकिंग हमारी मई और जून के लिए इस बार लगभग हो चुकी है। होटल 70% लगभग बुक इस समय हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए प्रशासन की ओर से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार तीर्थयात्रियों को केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग में ही पैरों की मसाज की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे यात्री पैदल चलने के बाद राहत महसूस कर सके। कुछ नवयुवकों को मसाज की ट्रेनिंग दी गई थी, मसाज ट्रेनिंग उनको दी गई है जो मार्ग में पैदल यात्री आएंगे, तो इस वर्ष उम्मीद करते हैं कि वो जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी वो युवा आकर के जो है अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो एक अच्छा प्रयास है और मेरी शुभकामनाएं है सभी लोगों को, व्यापारियों को, होटल्स के जितने हमारे होटल रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड कर लिए गए हमारे द्वारा। अभी कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जो होटल पंजीकृत नहीं है उन होटल को सुविधा देने के लिए हम स्वयं जो है सोनप्रयाग, गुप्त काशी, फाटा इत्यादि में जाकर के कैंप लगा रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कैंप लगाने के लिए कि अपना पंजीकरण कराएं। होटल व्यापारियों को पंजीकरण करने के लिए भी कहा गया है, जिससे पूरे व्यवस्थित तरीके से केदारनाथ यात्रा संचालित हो सके। रुद्रप्रयाग से नरेश भट्ट की रिपोर्ट।